ये रखूंगा मैं व्लॉग में, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं भाई। देखो ये आदमी झूठ बोलता है, ऐसे क्या झूठ बोलता है, बोल के मुकरता है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड एंड एक्साइटिंग व्लॉग ऑन मिसिंग गियर्स। अभी हम लोग हैं रोहिणी में, टाइम हो रहा है 12:30 और मेरे चारों ओर आप देख सकते हैं कि वेदर कुछ अलग ही मूड में है। तो ये होता है मानसून वाला वेदर। ये दोस्तों आज फिर से हम निकल पड़े हैं एक बहुत ही प्यारा सा ऑर्बिट लोकेशन पे, जो कि है सोनाडा सैलामेंडर लेक। ये लेक बहुत ज़्यादा फेमस है गोल्डन सैलामेंडर के लिए, जो सिर्फ यहीं पे मिलता है। एक्चुअली ये लेक में जाने का प्लान मेरा नहीं था, रॉजर भैया का था। हम लोग सिलीगुड़ी से आए हैं इस साइड से, इस रास्ते से, रोहिणी की रास्ते से, और कार्शियंग क्रॉस करके सोनादा आएगा। सोनादा के बाद हम लोग वो मेन सैलामेंडर लेक की तरफ जाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये वाला ब्लॉग आपको अच्छा लगेगा, और अगर ये ब्लॉग आपको अच्छा लगे ना तो प्लीज़ इसको दे देना एक लाइक, सब्सक्राइब करना मेरा चैनल मिसिंग ईयर्स। तो एक बात कहना चाहूँगा, बहुत जल्द मेरा 50,000 सब्सक्राइबर्स पूरे होने वाले हैं, और मेरे दिली ख्वाहिश है कि 50,000 सब्सक्राइबर्स में मैं सिलीगुड़ी में एक मीटअप रखने वाला हूँ। तो कीप फॉलोइंग मी इन इंस्टाग्राम, आई विल कीप अपडेटिंग यू। वेदर देखो भाई, वेदर और नज़ारा देखो, यहाँ पे बहुत सही नज़ारा है चारों ओर। देखो गाइज, मानसून इज द बेस्ट सीजन टू राइड ऑन हिल्स। अभी मानसून में बहुत फ्रिक्वेंटली वेदर चेंज होता है, क्लाउड का बहुत अच्छा वाला टेक्सचर रहता है दार्जिलिंग में, और ये एंटर दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में ना मानसून के लिए कुछ स्पेशल प्लेसेस हैं जो आप लोगों को सिर्फ मानसून में ही मिलेगा। उसमें ऐसा एक बहुत ख़ास प्लेस है जो है सोनाडा सैलामेंडर लेक। ये सैलामेंडर लेक गोल्डन सैलामेंडर के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, सिलीगुड़ी से बस एक डेढ़ घंटे की दूरी में है, डेढ़ घंटे की दूरी में है, और अगर आप चाहें तो आप एक डे राइड में इस लेक को घूम के आ सकते हैं। तो चलो बिना किसी टाइम वेस्ट करके शुरू करते हैं आज का व्लॉग, सोनाडा सैलामेंडर लेक। तो अलग ही वेदर है आज, और मानसून में ये जो बादलों का टेक्सचर होता है ना गाइस, ये मुझे बेहद पसंद है। हाँ, इसमें भीगना पड़ता है आपको, लेकिन चोकटा जुड़िए जाए, किंतु चोक दुटो अपनार जुड़िए जाए जखनी आपनी ये मेघेर मध्य दिए जाबेन। अर्थात से गान आछे ना शुभमितार, मेघेदेर मिनारे, এই জায়গাটা দিয়ে পাস করলে, মেঘের মধ্যে দিয়ে যখন আমি পাস করি এই রাস্তাটাতে, তখন আমার ওই গানটা খুব মনে পড়ে। জাস্ট অন্যই একটা জগতের মধ্যে চলে এসেছি বলে মনে হয়। ভাইলোক, যখনই তোমরা পাহাড়ে আসবে, দার্জিলিংয়ে আসবে, যদি কখনো তোমরা বর্ষায় আসো, তাহলে মেঘের এই যে টেক্সচারটা, মেঘের এই যে আসা যাওয়া, বৃষ্টির আনাগোনা, এটাকে কিন্তু অবশ্যই ফিল করো, কারণ এর একটা আলাদাই মজা। দেখেছো, দেখো তো কি সুন্দর সামনেটা, কি সুন্দর, what a feel। ऐसा कभी हो सकता है कि आप लोग पहाड़ में बाइक राइडिंग के लिए आएँ और ऐसा ही मतलब वेदर मिले आपको, ऐसे आपके 6 फीट के दूर में कुछ दिखाई नहीं देगा और बहुत ही कोहरा कोहरा रहेगा, आपको कुछ ठीक से दिखाई नहीं देगा दूर का। तो तब ना पहाड़ों में राइड करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप अपने से बड़ा कोई गाड़ी जो है, जैसे कि मेरे सामने एक 407 है, या फिर कोई कार हो गया, या फिर कोई ऐसा व्हीकल हो गया,
गुड्स कैरियर व्हीकल हो गया, तो इसके पीछे पीछे आप चल सकते हैं। मतलब इसमें ना आपका कोई रिस्क नहीं रहता है अगर आप इसके पीछे चलते हैं तो, क्योंकि भारी क्लाउड जब रहता है ना तो दिखता नहीं है कुछ। तो अगर अपने से एक बड़े गाड़ी के पीछे अगर आप चलेंगे तो वो बड़ा गाड़ी जो है जो आपके आगे चल रहा है दैट विल एक्ट लाइक अ शील्ड, एक ढाल की तरह वो काम करेगा, वो आगे आगे चलता रहेगा और आप उसके पीछे सुकून से आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये इन्फो जो है वो आपको नेक्स्ट टाइम हिल राइड करने में बहुत हेल्प करेगा। मैं ऐसा ही करता हूँ। ये लाइंस जो है ना टॉय ट्रेन के, ये मॉनसून के टाइम में बहुत ख़तरनाक हो जाता है। तो इस लाइंस को, ये लाइंस को जब क्रॉस करेंगे आप तो सर थोड़ा ध्यान से, और इसको परपेंडिकुलरली स्ट्रेट अपने व्हील को इसमें क्रॉस करना है, स्ट्रेट क्रॉस में, मतलब परपेंडिकुलर रख के एकदम इसको क्रॉस में क्रॉस करना है, एंगल नहीं होना चाहिए अपना व्हील, नहीं तो ये स्किट करवा देगा आपके व्हील को। तो ये रहा मैप, और यहाँ से जो दिखने में मिल रहा है कि थोड़ा सा आगे चलना पड़ेगा, उसके बाद एक लेफ्ट टर्न आएगा। अच्छा, यहाँ से हम लोगों को लेफ्ट टर्न लेना है। मैप के हिसाब से ना हम लोग अभी यहाँ पे हैं, और थोड़ा सा आगे जाके एक बड़ा वाला लेफ्ट टर्न आएगा, मेन रोड आएगा लेफ्ट में, वहीं से नीचे जाना है। ठीक है, चलो। हिसाब से नहीं जाने से भी होगा, रास्ता पहचान पे। उसके आगे तो कोई रास्ता है नहीं, उससे आगे तो कोई रास्ता है नहीं, जिस रास्ते से ना बाइकर लोगों को जाने की सुविधा हो उसी रास्ते से चलो, अंदर में घुसो मत। ठीक है, एक ही तो रोड है, कौन सा 10 रोड है तो मेन रोड ना अंदर से जाएगा। तो आप बोल रहे हैं कि दूसरा रास्ता है? कौन बोला दूसरा? आप अभी तो बोले कैमरा में रिकॉर्ड है, दूसरा रास्ता भी है, एक ही रोड है। आप बोले हैं दूसरा रास्ता भी है, दूसरा रास्ता नहीं बोला, ये रखूंगा मैं ब्लॉग में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं भाई। देखो ये आदमी झूठ बोलता है, ऐसे बोल के मुकरता है। आप लोग को पता है ना मैंने क्या बोला अभी अभी? हाँ अभी अभी, देखो कैमरा में रिकॉर्ड हुआ है। ठीक है, तो गाइस दिलाराम से निकल के ना हम यहाँ पे सोनाडा के थोड़ा सा आगे फिर से रुक गए हैं, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो रहा है और रॉजर भैया बोल रहे हैं कि बारिश को कम होने के बाद ही हम लोग आगे चलेंगे। कैसा चल रहा है राइड? एकदम बढ़िया, बहुत जिलाराम से निकलने के बाद ना सोनाडा से थोड़ा सा पहले हम लोग थोड़ा सा रेस्ट लेने के लिए यहाँ पे रुके थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो रहा था बारिश। हम लोग यहाँ से चाय वाय पिए और अभी निकल रहे हैं फिर से अपने डेस्टिनेशन की ओर, जो कि है सलामेंडर लेक। टाटा। कोहरा जो है वो हट नहीं रहा है, बारिश कम ज़्यादा हो रहा है। उम्मीद करता हूँ कि लेक के पास जाके थोड़ा सा कोहरा हट जाएगा और मुझे ड्रोन शॉट लेने का मौका मिलेगा। वैसे तो एक मौका मिला था 10 मिनट का, उसमें से मैंने वो सारे ड्रोन शॉट ले लिए हैं जो अभी अभी आपने देखा है। ओके गाइस, तो देखो यहाँ पे हम लोग आ गए इस पॉइंट पे जहाँ पे, देखो अभी ठीक से समझ लो। हाँ, ये आपको लेफ्ट में एक मार्गरेट शॉप का एक बैनर मिलेगा, ऐसा एक मिलेगा, और आगे ना बालासन लिखा हुआ मिलेगा। राइट में इस रास्ते से हम लोग करशंग से आए थे और ये रास्ता सीधा दार्जिलिंग पहुंचता है। सलामेंडर लेक पहुंचने के लिए आप लोगों को ये बालासन जहाँ से लिखा हुआ है ना, यहाँ से लेफ्ट नीचे की तरफ जो रास्ता जा रहा है वही रास्ता पकड़ना पड़ेगा। यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर में ही होगा, ज़्यादा दूर तो नहीं है, लेकिन ये रास्ता यार बहुत ही शानदार दिख रहा था मैप में। और मेरे ख्याल से ना अगर बाद में जब वाओ ये जो आवाज़ हो रहा है ना वहाँ पे लामा पढ़ा जा रहा है, मतलब पूजा हो रहा है टिबेटियन लोगों का। ये सिलीगुड़ी से
वंडर राइड के लिए बहुत ही एक अच्छा जगह है मुझे जो लग रहा है। এই বাড়িটাতে যারা থাকে এই বাড়ির ঘর থেকে কি সুন্দর ভিউ পায় এরা রোজ রোজ। হ্যাঁ, এইসব জায়গায় যাদের বাড়ি তারা কত লাকি। ও কি সুন্দর বাড়ি না, দেখো বাড়িটা কি সুন্দর। বাস একটা দুটো স্যালামেন্ডার যদি দেখে নিতে পারি না, আজকের রাইডটা একদম 100% হয়ে যাবে। अगर ये खुला खुला दिन होता ना तो यहाँ से बहुत अच्छा अच्छा व्यू जो है वो देखने के लिए मिलता आप लोगों को। धुंधला हो जाएगा सब। तगड़ा जगह है भाई, तगड़ा जगह है भाई। यहाँ पे एक चौक आ गया है, कौन सा साइड में जाना पड़ेगा, लेफ्ट या राइट, क्या करेगा, राइट या लेफ्ट? मैप देख ले, देख लो मैप देख लो भाई। अभी कहाँ गया लोकल गाइड बताओ। हो गया ना दादा, आ गए ना लाइन पे। ये वाला अब देखो भाई, हम तुमको रोड तो गिरा दिया, लेक तो हम कभी गया नहीं है, लेक जाने से हम फिर से दो दो बार। अभी चलो चलो, 100-100 की बाजी हो जाए। कौन सा साइड में? ऊपर साइड में तो है नहीं, मुझे लगता है और पीछे साइड में है लेक। अच्छा चलो देखते हैं। 100 का लगा है मेरे और रोजरदा के बीच। ऊपर में या तो पीछे साइड में, वो बोल रहे हैं ऊपर में या तो पीछे, लेकिन थोड़ी देर पहले क्या बोल रहे थे कि ऊपर में तो होगा नहीं। ठीक है, कोई इशू नहीं है, हम लोग देख लेते हैं। हम लोग ज्यादा आ गए हैं, पीछे हैं। पीछे जाके एक रास्ता राइट 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 जाएगा, पीछे जाके एक रास्ता राइट जाएगा, वहां से बाइक पार्क करके नीचे जाना पड़ेगा थोड़ा सा। हाँ बाइक लेके जाएंगे, हाँ बाइक लेके जाएंगे। इधर शायद ऊपर वाले ने मेरा बात सुन लिया है और इधर थोड़ा सा क्लियर हो रहा है अभी। ये राइट का जो रास्ता है ना ऑफ रोडिंग वाला, यही है। चलो चलो, असले फॉल्स के ऑफ रोडिंग के मुकाबले ये तो कुछ भी नहीं है, काफी अच्छा रोड है। वो आ गया आगे, लेक दिख गया है हम लोगों को। यहाँ से थोड़ा सा बोल्डर में फंस गए थे हम, कोई इशू नहीं है, संभाल लिया हमने। अपने आपके भाई का जो है ना टांगे बहुत बड़े लंबे लंबे हैं, तो संभाल लेता है ऐसे छोटे छोटे चीजें, लेकिन यहाँ पे हो जाएगा थोड़ा सा मुश्किल। कोई बात नहीं, हम निकल जाएंगे, यहाँ से निकलेंगे बस। पीछे ले ले, पीछे ले ले, पीछे पीछे खींच ले, पीछे खींच ले। हाँ खींच, पीछे खींच, आजा आजा बस। अभी 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 राइट में कर दे, हो गया। रास्ता यहाँ पे काफी स्लीपरी और चैलेंजिंग है, ब्रेक करने से गिरेगा आदमी। ये जगह मुझे चाहिए बीच का, हो गया। में इतना ही पानी है और ये जो चाय बगीचे है ना, ये मार्गरेट्स होप चाय बगीचे हैं। तो एक बात बता दूं गाइस आप लोगों के सजेशंस, जैसे आप लोग दिए थे मुझे तो मैंने ले लिया है उड़ाजो, और वो गंदा भी हो चुका है, नया वाला जूता है। तो ये है वो सलामेंडर, और ये गोल्डन इसलिए है कि ये एकलौता जगह है जहाँ पे गोल्डन सलामेंडर मिलता है, इसीलिए ये गोल्डन सलामेंडर का एक यहाँ पे मूर्ति है। और ये सिर्फ दार्जिलिंग पूरे डिस्ट्रिक्ट में यहीं पे मिलता है गोल्डन सलामेंडर। ब्रिटिश पीरियड में बहुत ज़्यादा मिलता था, लेकिन वो सिविलाइजेशन के चक्कर में ना ये सलामेंडर का जो स्पीसीज है वो ख़त्म होने की कतार में आ गया है अभी, तो उन लोगों को ना यहाँ पे रिजर्व किया जाता है। चालू है ना भाई, चालू है, अब किया है। हेलो हेलो, सलामेंडर मिल गया है और रोजर दा अभी
उसको ले रहे हैं, वो ब्लैक वाला मिला है। हाँ नहीं 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 रहे हैं। यह है सैलामेंडर लेक इन सोनाडा दार्जिलिंग। दोस्तों इस लेक को भानजंग लेक भी बोला जाता है लोकल लैंग्वेज में। भानजंग मतलब जो होता है दोनों पहाड़ों के बीच का जो एरिया होता है ना उसको भानजंग बोला जाता है। तो ये वैसा ही है, आप लोग देख सकते हैं इस साइड में एक पहाड़ है, इस साइड में एक पहाड़ है और बीच में ये लेक है, इसलिए इसको भानजंग लेक भी कहा जा सकता है। मेरे पीछे आप लोगों को एक बांस का पुल, बम्बू का पुल दिख रहा होगा और ये एक छोटा सा टाकू जैसा बना हुआ है जहाँ पे एक बैठने का जगह भी है। हम लोग उस साइड से एंटर किए थे इस लेक में। बहाना हमारे सारे बाइक्स जो है वो पार्क किया हुआ है और फिर इस लेक के किनारे किनारे होते हुए ये रास्ता जो है वो यहाँ से ये बांस का जो पुल है इससे आके यहाँ पे ये छोटा सा टाकू आइलैंड पे आता है। आप ये ऊपर की तरफ चाय के बगीचे के अंदर भी जा सकते हैं, उधर से भी चाय के बगीचे में जाने का रास्ता है और इधर भी ऊपर जाने का, मतलब इस साइड में चाय के बगीचे जो हैं वहाँ पे जाने का रास्ता है। तो अभी इस लेक के बारे में कुछ बताते हैं गाइस। ये जो भानजंग लेक है ये ब्रिटिशों ने फर्स्ट टाइम खोज के निकाला था और यहाँ पे गोल्डन सैलामेंडर बहुत ज़्यादा मिलता है, लेकिन ब्रिटिश लोगों ने इतना ज़्यादा यहाँ पे हंटिंग किया सैलामेंडर का और उसके बाद सिविलाइजेशन जैसे जैसे आगे बढ़ा तो ये स्पेसिस जो है वो इंडेंजर हो गया। अभी ये मतलब ऑलमोस्ट लुप्त हो चुका है ये स्पेसिस, बस यहीं पे मिलता है दार्जिलिंग में। तो वो गोल्डन सैलामेंडर जिसको पानी कुकुर भी कहते हैं नेपाली में, उसी के लिए ये लेक बहुत बहुत फेमस है। तो नेक्स्ट टाइम अगर आप आते हैं ना दार्जिलिंग में तो इस जगह को साइट सीन की तरह, स्टॉप एंड गो की तरह एक बार घूम लेना और कार में भी आप आ सकते हैं। वो रोड साइड टर्मेक रोड के साइड में आपको कार पार्क करके थोड़ा सा चल के आपको यहाँ पे आना पड़ेगा। और दोस्तों ये पहाड़ में ना आपको ऐशो आराम की ज़िंदगी तो नहीं मिलेगी, लेकिन यहाँ पर आपको सुकून मिलेगा, शांति मिलेगा, नेचुरल ब्यूटीज़ मिलेंगी। ऐसे वक्त निकाल के आना अपने शांति के लिए, क्योंकि यहाँ पे आके ना तुमको शांति मिलेगी। बहुत बहुत खूबसूरत प्लेस है, चारों ओर पंछियों की आवाज़ है, नेचर का आवाज़ है, नेचर का जो होता है तरह तरह का पंछियों का आवाज़ है और बहुत अच्छा लग रहा है ये वाला प्लेस। और यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी मछली भी है, इसमें साथ मिल के सब रहते हैं, हमारे जैसा नहीं है, लड़ते झगड़ते नहीं है इंसानों के जैसे, साथ मिल के रहते हैं सब। तो चलो अभी यहाँ पे हम लोग ऑलमोस्ट 1 आवर जो है अपना दे चुके हैं, मतलब 1 घंटा हो गया है यहाँ पे आए हुए। तो अभी हम लोग यहाँ से निकलेंगे और नेक्स्ट टाइम अगर आप लोग कारशियांग या फिर सोनाडा में कहीं पे डे राइड पे निकलते हो बाइकर लोग, तो यहाँ से आप घूम के जा सकते हो। देखो तो बारिश में कैसे छतरी खोल के बैठी है यहाँ के लड़कियाँ, देखो बारिश में छतरी खोल के बैठी है। ये होते हैं पहाड़ के लोग, बहुत मीठा होता है, बहुत मीठा, लड़का लड़की सब बहुत अच्छे होते हैं। बहुत अच्छा अच्छा फ़ोटो निकाला है हम लोगों ने इंस्टाग्राम में, मुझे फॉलो करो राइडर रॉकी ऑफिशियल में ताकि आपको अच्छे अच्छे फोटोग्राफ्स और रील्स देखने को मिले।
काफ़ी अच्छा। और रॉजर भैया तो आज मतलब पूरा पागल हो चुके हैं, इतना फोटो खींचे ना, एक साल तक वो फोटो नहीं भी खींचेंगे तो चल जाएगा। देखो पोज देके खड़े हुए हैं हमेशा, जहाँ भी जाते हैं पोज देके खड़े हो जाते हैं ऐसे, सारे जगह डीपी चेंज होने वाला है सारे जगह। और ऊपर है राजीव और उसके साथ रवि, राजीव रवि एक साथ ऊपर की तरफ जाते हुए। भाई कितना दूर जा रहे हो? बस ठीक है जाओ। आपका नाम? प्रशांत। ही इज प्रशांत। आप स्कूटी चला के आए ना? हाँ भैया। तो बहुत अच्छा लगा मुझे कि एक बंदा आज स्कूटी में आया, क्योंकि जो स्लोप था ना, जो ढलान था मेन रोड से, जब ये लेक में आओगे ना आप तो बहुत ढलान वाली एक रोड मिलेगी, तो वहाँ से वहाँ पे आपने बहुत अच्छे तरीके से अपने स्कूटी को हैंडल किया। वेल डन। चलिए ठीक है चलो। और वो है अमित, वो आने के बाद ही कैमरा के साथ जुड़ा हुआ है, कभी फ़ोन में कभी अपने DSLR में। ठीक है भाई, थोड़ा सा अपने आँखों से भी देख लो, देख रहे हैं अभी जहाँ पे खड़ा हूँ मैं, यहाँ पे लेफ्ट में है मेरा लेग, वो बैठने की जो जगह है ना, थोड़ी आपको जूम करके दिखाते हैं, एक मिनट। ये जो बैठने की जगह है, यहाँ पे मैं बैठा हुआ था और वहाँ से मैं अभी चल के यहाँ पे आ गया हूँ। यहाँ पे व्यू ऑफ टी गार्डन, व्यू ऑफ ओपी दार्जिलिंग, व्यू ऑफ वैली, बहुत ही बेहतरीन नज़ारा है यहाँ। रॉजर भाई को ना अभी मिल गया एक सैलामेंडर भाई, अभी उनका फोटो मतलब गोप्रो से वीडियो ले रहे हैं।